गाइस सैमसंग ने रिसेंटली अनाउंस किया था सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के मॉडल के बारे में, जो कि रहने वाला है वर्ल्ड का ऐसा पहला स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को देखने मिल जाता है बैक साइड में ट्रिपल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल कैमरा बैक साइड में। लेकिन 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 दोस्तों, सैमसंग का इतने से पेट नहीं भरा। सैमसंग ने अभी अभी अनाउंस कर दिया कि सैमसंग लाने जा रहा है ए सीरीज का सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी A9, जो कि रहने वाला है 4 रियर कैमरास के साथ। जी हाँ दोस्तों, 4 रियर कैमरास का पहला वर्ल्ड का ऐसा स्मार्टफोन जो कि सैमसंग लॉन्च करने वाला है जल्दी अक्टूबर में। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा स्पेसिफिकेशंस, लुक्स और रिव्यूज देने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A9 के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सैमसंग गैलेक्सी A9 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 8.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ओरियो बेस्ड रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है चिपसेट, जो कि रहने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाता है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, जो कि काफ़ी कमाल का है। क्या दोस्तों बात करें हम कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया रियर साइड में आप लोगों को देखने मिल जाता है 4 रियर कैमरा, जो कि रहने वाले 24 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स प्लस 10 मेगापिक्सल्स प्लस 5 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा। साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पर देखने मिल जाता है एक LED फ्लैश। क्या जो यहाँ से आप लोग बैक कैमरा से दोस्तों आप लोगों की जो क्वालिटी रहने वाली है रिकॉर्डिंग की अप टू 4K रहने वाली है, जो कि 2160p की क्वालिटी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आप लोगों को जो फ्रंट कैमरा है वो मिल जाता है 24 मेगापिक्सल्स का कैमरा, जहाँ पर आप लोगों को एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें हम लोग बैटरी कैपेसिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर सैमसंग का एक एवरेज बैटरी यहाँ पर आ जाता है बैटरी बैकअप, जो कि रहने वाला है 3800 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। गाइस अगर बात करें हम सैमसंग गैलेक्सी A9 के वेरिएंट्स के बारे में, तो 3 वेरिएंट्स रहने वाले, जो कि रहने वाली है 4GB, 6GB और 8GB, जहां पर आप लोगों को 4GB के साथ शायद ही मिलने वाला है 64GB और 6GB के साथ 128GB, और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है 8GB के साथ 256GB, जो कि 6GB 128GB यहां पर कंफर्म हो चुका है। और बात करें हम लोग इसके कलर की, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 कलर मिल जाता है। जो पहला रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लैक कलर, जो दूसरा रहने वाला है वो आप लोगों को मिल जाता है 11A ब्लू कलर, और जो थर्ड वेरिएंट है वो आप लोगों को मिल जाता है बबल गम पिंक कलर। काफ़ी कमाल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है बबल गम पिंक कलर। इसके बाद दोस्तों प्राइस की बात करें, तो जो प्राइस रहने वाली वो अराउंड 600 यूरोज रहने वाली है स्टार्टिंग प्राइस, यानी कि अगर हम इसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें रुपीज़ में, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है अराउंड 51,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी एक तरफ से प्राइस लेवल की बात करें तो दोस्तों ये S सीरीज के प्राइस में जा रही है A सीरीज की फ़ोन, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस और कैमरा क्वालिटी के साथ काफ़ी कमाल का फ़ोन आ रहा है। ये था सैमसंग गैलेक्सी A9 विद 4 रियर कैमरा, जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है ग्लोबली। सो अगर आप लोगों को ये फ़ोन पसंद आया होगा और इस फ़ोन से रिलेटेड और भी स्पेसिफिकेशंस, लुक्स और रिव्यूज़ आपको जानने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये फोन की न्यूज़ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे।